हेलो एवरीवन, तो आज जो है सो इस क्लास में इंग्लिश वोकैबुलरी की सीरीज थर्ड को देखने वाले हैं। तो चलिए इंग्लिश वोकैबुलरी की सीरीज थर्ड को स्टार्ट करते हैं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर टाइम पर मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश वोकैबुलरी की सीरीज थर्ड का पहला वोकैबुलरी है वो है मीन। मीन यानी कि मतलब। मीन का हिंदी मीनिंग होता है मतलब। जब भी कोई कहता है व्हाट इज योर मीन, तुम्हारा मतलब क्या है, मीन का हिंदी मीनिंग होता है मतलब। MEAN मीन, मीन मीन्स मतलब। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट वोकैबुलरी सेकंड देखते हैं। सेकंड वोकैबुलरी है वो है हमारा साउंड स्लीप। साउंड स्लीप यानी कि साउंड स्लीप का हिंदी मीनिंग होता है गहरी नींद, ना कि यहाँ पे इसका मीनिंग होता है गहरी नींद। साउंड स्लीप यानी कि गहरी नींद। ठीक है, ये था हमारा सेकेंड वोकैबुलरी सीरीज थर्ड का। अब चलिए हम थर्ड वोकैबुलरी को देखते हैं, हमारा थर्ड वोकैबुलरी क्या है। तो थर्ड वोकैबुलरी है वो है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट यानी कि उम्मीदें। उम्मीद यानी जब हम किसी को उम्मीद रहता है, हमको उससे ये उम्मीद ना थी, यानी कि एक्सपेक्ट यानी कि उम्मीद। एक्सपेक्ट का हिंदी मीनिंग होता है उम्मीद। EXPECT एक्सपेक्ट यानी कि उम्मीद। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड वोकैबुलरी सीरीज थर्ड का। अब चलिए हम फोर्थ वोकैबुलरी को देखते हैं, वो चौथा वोकैबुलरी हमारा क्या है सीरीज थर्ड का। तो वो चौथा वोकैबुलरी है वो है हमारा थॉट। थॉट यानी कि विचार। थॉट यानी कि विचार। THOUGHT थॉट। फोर्थ वोकैबुलरी है हमारा थॉट। थॉट का हिंदी मीनिंग होता है विचार। अब चलिए हम देखते हैं लास्ट सीरीज थर्ड का फिफ्थ वोकैबुलरी, जो कि लास्ट है वो हमारा क्या है। तो हमारा फिफ्थ वोकैबुलरी है वो है बोन। बोन यानी कि हड्डी। बोन BONE बोन। बोन का हिंदी मीनिंग होता है हड्डी। बोन यानी कि हड्डी। ठीक है, तो ये थे हमारे सीरीज थर्ड के टॉप फाइव वोकैबुलरी जो कि मैंने आपको प्रोवाइड किए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वोकैबुलरी सीरीज फोर में वो। ठीक है, तो चलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए, थैंक यू।